के बाद स्वागत है आपका। टीकमगढ़ के मवई और चंदेरा गांव के सरकारी स्कूलों में बच्चों को शौचालय की सुविधा नहीं मिल पा रही है। चंदेरा गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में करीब 1800 छात्र छात्राएं हैं, जबकि मवई के हायर सेकेंडरी स्कूल में करीब 550 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। यहां शौचालय का इंतजाम है, लेकिन रखरखाव की कमी के चलते इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि चंदेरा में बने करीब एक दर्जन शौचालयों का साफ सफाई और पानी की कमी के चलते, जबकि मवई हायर सेकेंडरी स्कूल के शौचालय सफाई की कमी के चलते बेकार पड़े हुए हैं। इससे छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतें हो रही हैं, उनकी पढ़ाई का भी नुकसान होता है। प्रिंसिपल के मुताबिक अधिकारियों को इसकी जानकारी तो है, लेकिन उनका कहना है कि आप खुद ही सफाई कराएं, जबकि जिला पंचायत सीईओ का ये दावा है कि स्कूलों में बने शौचालय बेहतर हालत में हैं। शौचालय वगैरह तो सब ऐसे डले हैं, मेन आन में जाते हैं शौचालय होने के लिए। सफाई के बारे में सर कुछ सफाई नहीं है यहाँ पे, गंदे पड़े। क्या दिक्कत आती है इसमें? इसीलिए हम लोग जाते नहीं उसमें, इसीलिए स्कूल छोड़कर हमको जाना पड़ता है। तो इससे क्या पढ़ाई प्रभावित होती होगी आपकी? और क्या, शौचालय सर कोई अच्छे नहीं है सर, ऐसे मजबूरी में सर उनमें शौच के लिए जाना पड़ता, अगर कभी कभी खुले में भी जाना पड़ता है। शौचालय बने हुए हैं, निर्मित है, लेकिन पानी की वजह से वो भी गंदे पड़े। अब उनको करा रहे ठीक, पानी कहीं से व्यवस्था करके सफाई की है, कराई देते हैं। शौचालय तो हर जगह है, कहीं भी कोई स्कूल ऐसा नहीं है शौचालय नहीं है, हर जगह शौचालय है। हाँ, साफ सफाई हो सकता है, कल स्कूल खुले हो तो साफ सफाई के बारे में हम लोग फिर से देख लेंगे, पर मवई में तो मतलब मैं खुद भी स्कूल में गया हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो शौचालय डेफिनेटली 100% है।